ओके ओके, तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान रखना, आज के सभी क्वेश्चन इसी टाइप के पैटर्न के हैं, तो इसमें मैं एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एक्स एंड वाई आर एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, देन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन देन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन इज डिविजिबल बाय बाय एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन लिख लो तो बता देना, फिर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ओके चलो, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे, लेट करेंगे कि फॉर एन इज इक्वल्स टू वन, एन इज इक्वल्स टू वन पे चेक करेंगे, एक्स की पावर वन माइनस वाई की पावर वन इज डिविजिबल बाय बाय एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई तो डिविजिबल ही होगा, एक्स माइनस वाई से डिवाइड करके वन ही आ जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, लेट एक्स की पावर एन माइनस वाई की, सॉरी, लेट एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन इज डिविजिबल बाय बाय एक्स माइनस वाई फॉर एन इज इक्वल्स टू के। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, सॉरी एन क्यों आएगा, पावर आएगी के, हाँ, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू समथिंग। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके अब इसका जो के प्लस वन वाला पार्ट है, यही थोड़ा सा डाइसी है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, रख लेंगे तो हो जाता है, मगर वही है कि आने वाले सभी क्वेश्चन में वो सेम काम करना है, तो रिपीटेटिव हो जाएगा वो। नाउ फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करेंगे, सो एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वाई की पावर के प्लस वन, सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स की पावर के माइनस वाई इंटू वाई की पावर के। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? के प्लस वन को अपन ने ऐसे लिख लिया के प्लस एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर वन, तो के प्लस वन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहुँच के हमें एक कार्यक्रम करना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे करेंगे? देखो, हमको क्या चाहिए, हमको एक्स की पावर के और वाई की पावर के चाहिए, ठीक है? हमारे पास एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर के आना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, इस इक्वेशन को। अगर हमारे पास एक्स की पावर के वाई की पावर के नहीं आएगा, तो ये इक्वेशन यूजलेस आएगी। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे किसी तरह से इसको चेंज करना है एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर के में। अब
क्योंकि ये कोई इक्वेशन नहीं है, तो इसमें अपन मन मर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? कहीं आप कहो कि एक्स से डिवाइड कर देते हैं या वाई से डिवाइड कर देते हैं, वो कार्यक्रम नहीं चलेगा। इसमें आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे और वही सबट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखो क्या ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या ऐड करेंगे, जो फर्स्ट टर्म पे ध्यान देंगे, केवल फर्स्ट टर्म पे, ठीक है? फर्स्ट टर्म पे जो एक्स्ट्रा है, फर्स्ट टर्म में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स, एक्स की पावर के होना चाहिए था, एक्स एक्स्ट्रा है, ठीक है? और दूसरी टर्म में जो हमें डिजायरेबल है, वाई की पावर के, ये इसमें माइनस करेंगे और यही इसमें प्लस करेंगे, एक्स इंटू वाई की पावर के। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो इससे होगा कि इसमें और इसमें काम में लेते हैं तो एक्स कॉमन आके हमारे पास बचेगा एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर के, और दूसरी दो टर्म्स में बात करेंगे तो हमारे पास दूसरी दो टर्म में, मतलब कि इन ब्लू अंडरलाइन वाली टर्म्स में, इफ वी टेक वाई की पावर के कॉमन तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई, करेक्ट? हाँ जी, बेटा ये देखो, ये ब्लू वाला बता रहा हूँ मैं, जिस पे टिक लगाया है, इसमें वाई की पावर के कॉमन लेंगे हम, तो एक्स तो यहाँ से लास्ट वाली टर्म से, और वाई माइनस का वाई यहाँ से सेकंड वाली टर्म से, ओके अच्छा जी, अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन, हाँ बेटा एक्स, यही है सबसे ट्रिकी पार्ट इसमें, तो इसमें हमको बहुत ध्यान रखना है। देखो हमको ऐसे चाहिए था कि एक्स की पावर के साथ माइनस में आए वाई की पावर के, करेक्ट? ठीक है, अब एक्स की पावर के साथ एक्स था एक्स्ट्रा में, तो हमने क्या किया, एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसमें वाई की पावर के तो हो और एक्स्ट्रा वाला जो भी सामान है वो साथ में हो। तो एक्स्ट्रा में हमारे पास एक्स था, एक्स्ट्रा में एक्स लगा दिया, मल्टीप्लाई करके दे दिया। अब क्योंकि हम ये माइनस कर रहे हैं अपने तरफ से, तो हमें इसे प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं रहता, तो इसीलिए एक्स इंटू वाई की पावर के हो जाएगी। हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में चलेंगे तो ये कार्यक्रम एक दो क्वेश्चन में हमें एक से ज़्यादा बार भी करना पड़ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मगर अभी इतना है, ठीक है? ओके, आई नो थोड़ा अटपटा लगता है शुरू शुरू में, मगर वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट आपको आ जाता है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में से आप बोलोगे कि एक्स एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर के इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई इंटू ए, एंड वाई प्लस वाई की पावर के इंटू एक्स माइनस वाई, यू टेक एक्स माइनस वाई कॉमन और बाकी जो बचा वो ब्रैकेट में ए इंटू एक्स प्लस वाई की पावर के। हैंस एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वाई की पावर के प्लस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। और लास्ट में बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और जैसे स्टेटमेंट हम लिखते आ रहे हैं वैसे स्टेटमेंट। देख लीजिए इसको पूरे को एक बार, और एक बार इससे वापस गो थ्रू कर लीजिए, खासकर इस स्टेप में भी क्या मल्टीप्लाई, क्या माइनस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, यही है इसमें सबसे अलग, बाकी तो सब सही है। ओके हाँ जी बोलो,
बेटा फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या किया हमने, एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर के की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू क्या निकाली थी इक्वेशन वन में, एक्स माइनस वाई इंटू ए। ओके तो एक्स माइनस वाई इंटू ए वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है दोनों में से एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया और बाकी सब दूसरे ब्रैकेट में, तो ये क्या आ गया एक्स माइनस वाई इंटू समथिंग। समथिंग में हम इंटरेस्टेड नहीं है, एक्स माइनस वाई में इंटरेस्टेड है कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इंटीजर वैल्यू आएगी कोई ना कोई। ए भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो इसका मतलब डिविजिबल हो गया। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लग गया ना, रिमाइंडर जीरो है यहाँ पे तो डिविजिबल है। ओके ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। ठीक है ऐसे तो दो तीन क्वेश्चन है मगर इससे एग्जैक्टली है, मतलब एक्स की जगह कुछ और नंबर है, वाई की जगह कुछ और नंबर है, बाकी सेम टू सेम है। तो वो वाला ट्राई करो, खुद से करो, इसको कंपेयर करते करते करना और चेक करो कि आपको आ रहा है क्या। ठीक है मैं केवल फंक्शन लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने की अब जरूरत नहीं है। आपको चेक करना है कि 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। n है, सब में पावर n है, हाँ दोनों में n है। ओके बाकी लोग भी कंप्लीट करके कंफर्म करना प्लीज।
वेरी गुड। अनुषा स्वर्ण और लोकेश, आप भी बताओ बेटा। ओके। लोकेश और स्वर्ण बेटा आप भी कंफर्म करो। स्वर्ण बेटा लिख के बता दो चाहो तो। हाँ जी, ऐड। हाँ, एक बार ऐड किया है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, एक बार ऐड किया है। ओके, स्वर्ण का भी हो गया। लोकेश बेटा आपका हो गया क्या? आप ही बचे हो। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ हो गया। ओके, तो ये तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत? चलो, तो बहुत बढ़िया। तो इसी की तरह से एक और कर लेते हैं, फिर इसमें भी कहानी में ट्विस्ट आता है। थर्ड वन, इस बार आपको प्रूफ करना है कि 10^(2n-1-1) इज डिविजिबल बाय 11। टेन की पावर 2n-1 इज डिविजिबल बाय 11। एक्चुअली 2 प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस का 1 है। 10^(2n-1)+1 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, गुड।
ये कंपेरेटिवली पिछले वाले से ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 की पावर 2 के माइनस वन के ध्यान नहीं रखना, केवल आपको प्लस और माइनस 100 करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान, देखो वही बात है कि हमें थोड़ी सी फोरसाइट चाहिए। फोरसाइट कैसे, कि इस स्टेप के आने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या कॉमन आया जाएगा, क्या प्लस और माइनस करें ताकि कॉमन लेने पे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए। थोड़ा सा हमें पहले से थोड़ा सा एक दो स्टेप का आगे का सोच के चलना पड़ता है। हो गया सभी का? बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, स्वर्ण और ओके। कॉन्फिडेंट हो कि सही से आ गया ये, तो मैं अगले मुश्किल वाला कराऊं, नहीं तो इसका एक और प्रैक्टिस करा सकता हूं मैं। ठीक है, ये थर्ड वाला नहीं हुआ। ओके कर लो। नहीं आ रहा कि नहीं हुआ? बेटा लिख के बता दो अगर बोल नहीं पा रहे तो। हाँ हाँ देखो, पिछले वाले में देखो क्या किया था अपन ने, कि हमको क्या करना था, कॉमन लेना था किस में से, 41 × 41 के में कुछ ऐसा, और इसके साथ एक ऐसा पेयर बनाना था ताकि हमारे पास ये 41 जो है कॉमन आ जाए, 41 कॉमन आके हमारे पास बाकी की चीज़ें अंदर आ जाए। यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे चाहिए कि हमको 100 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, 100 × 2 के माइनस 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1। ये तो समझ में आ गया ना कि 100 × 2 के माइनस 1 कैसे आया 10 की पावर। अच्छा ओके, तो इस वाले पार्ट में, 1 मिनट, इस वाले पार्ट में ज़्यादातर आपने भी शायद यही मिस्टेक किया होगा कि आप लोग क्या करते हो, यूजुअली इसको ऐसे लिखते हो 2k + 2 - 1 + 1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k + 1। करेक्ट, यही किया होगा आपने, है ना आशा? ओके, ऐसे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम। ऐसे इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल जो टर्म है उसको रिटेन करना चाहते हैं। ओरिजिनल टर्म क्या है, हमेशा दिमाग में रख के चलना है कि हमें 10 की पावर 2k - 1 + 1 ये स्टेटमेंट चाहिए। 10 की पावर 2k - 1 + 1 ये स्टेटमेंट चाहिए। तो हम पावर्स को अननेसेसरीली सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे 10 की पावर 2k + 2 - 1 + 1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k - 1 × 10 की पावर 2 + 1, तो ये हो जाएगा 100 10 की पावर 2k - 1 + 1। अब आया क्या समझ में? ठीक है, वही है, हमारा टारगेट है कि 10 की पावर 2k - 1 हमारे पास रहना चाहिए ताकि अपन आगे इसको सॉल्व कर सकें। अब इसके बाद हमें कुछ ऐसा चाहिए कि 100 और 10 की पावर 2k - 1 में कुछ ऐसा प्लस होना चाहिए कि 100 कॉमन आ जाए। तो केवल 100 ही कॉमन लाना है और प्लस में 1 आना चाहिए, तो प्लस और माइनस 100 कर देंगे। ऐसा करने से आपके पास 100 कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें, तो 10 की पावर 2k - 1 + 1, और दूसरा आपके पास बचेगा प्लस का 1 और माइनस का 100, जो सिंप्लीफाई होके 99 आ जाएगा और फिर 11 कॉमन आ जाएगा। ओके ठीक है,
पिछले वाले से ये थोड़ा आसान कैटेगरी में गिना जाता है, मगर हो सकता है मैंने ऑर्डर गलत दे लिया। यूजुअली ये वाला पहले कराते हैं, वो वाला बाद में कराते हैं, मगर कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एकदम इसी की तरह से है, ठीक है? तो इसको ट्राई करो आप, बहुत ज़्यादा इसमें से फ़र्क नहीं है। आपको प्रूफ करना है, दिस विल बी फोर्थ वन, प्रूफ करना है आपको 5 की पावर 2n-1 इज डिविजिबल बाय 24। ओके इनफैक्ट पिछले वाले से थोड़ा आसान ही पड़ेगा ये। ओके ग्रेट, सही है। चलो अनुषा, स्वर्ण और लोकेश आप भी बताइए बेटा। ओके
आज्ञा के समझ में फिर अगला कार्य। वेरी गुड स्वर्ण, ठीक है चलो। तो अब अभी तक क्या आ रहा था, अपने पास दो ही टर्म आ रही थी, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ी ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, तीन टर्म आ रही हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, मगर वही है, ध्यान से करेंगे तो धीरे धीरे आ जाता है। इस बार हमें प्रूफ करना है कि 4 की पावर n +15n, 15 की पावर नहीं है, 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इज डिविजिबल बाय 9। हमको ये प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। n की कोई भी वैल्यू हो नेचुरल नंबर्स में, उसके लिए डिविजिबल बाय 9 होगा। तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए तो मैं नहीं कर रहा, आप कर लोगे, समझदार हो। k और k प्लस 1 के लिए करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू k हम मानेंगे कि ये ट्रू है। तो 4 की पावर k +15 k -1 इज इक्वल टू 9 into something, ये हमने ट्रू माना फर्स्ट इक्वेशन बनाए इससे। और अब की बार n इज इक्वल टू k+1 पे चलेंगे। तो k+1 पे पहुंच के हमारे पास बनेगा 4 की पावर k+1 +15 into k+1 -1। तो इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 into 4 की पावर k +15 k +15 -1। ओके, अब वो लिख लेते हैं जो जो अपने काम आएगा। हमारे पास 4 into 4 की पावर k का तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ हमें चाहिए प्लस का 15 k और माइनस का 1। 4 into 4 की पावर k के साथ हमें क्या चाहिए, प्लस का 15 k और माइनस का 1। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, वापस से कह रहा हूँ, क्या चाहिए हमें, चाहिए 4 k के साथ प्लस का 15 k और माइनस का 1। अब 4 की पावर k के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपनी तरफ से 4 into, बाकी की दोनों टर्म्स भी लिख देंगे, 4 into 15 k -4 into 1। ये अपन ने अपनी तरफ से ऐड की है या सपरेक्ट की है, तो इन्हें अपोजिट साइन भी करना पड़ेगा। 4 into 15 के अपन ने ऐड किया है अपनी तरफ से, तो हमें 4 into 15 k माइनस भी करना पड़ेगा, और 4 into 1 हमने सपरेक्ट किया है तो हमें 4 into 1 एड ऑन करना पड़ेगा, 4 into 1। और बाकी का स्टेटमेंट जैसा था वैसा का वैसा क्या है थे? कि प्लस का 15 k प्लस का 15 माइनस 1। ये आया क्या समझ में? अपने पास देखो इक्वेशन में क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्वेशन में था 4 की पावर k 15 k -1। तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन लेने के बाद, क्या कॉमन लेंगे हम, 4 ही कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो हमने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस ही करा दी। 4 into इसका सेकेंड टर्म, 4 into इसका थर्ड टर्म, और क्योंकि हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराई है तो इन्हें रिस्पेक्टिवली प्लस या माइनस करना पड़ेगा। अब दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, एक जिसमें हम 4 कॉमन लेंगे, दूसरा जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी 4 कॉमन लिया, 4 की पावर k +15 k -1, और दूसरे पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, 15 4 60 k +4 +15 k +15 -1। तो पहला पार्ट तो ठीक है, 4 into 4 की पावर k, या फिर चलो अभी रहने देते हैं, लगा ही देते हैं। इक्वेशन 1 में से हम इसे लिख देंगे,
इनटू 11 था, 9 था, 9 था, 9 इनटू ए फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा -60K प्लस 15K माइनस का 45K, 4 प्लस 5 15, 15 माइनस 1 सॉरी 4 प्लस 9 15, 19, 19 माइनस 1 इज 18, तो प्लस का 18 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से ये स्टेटमेंट चेंज किया है। अब ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू ए, और इसमें से भी आप 9 कॉमन ले सकते हो, मैं सीधे 9 ही कॉमन ले लेता हूँ, 9 आ जाएगा कॉमन, तो फर्स्ट में से बचेगा 4a, सेकेंड में से बचेगा 5k, और बाकी बचेगा अपने पास 2। हैंस इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। बाकी लोग भी देख लो और बता दो थोड़ा बहुत पचा के नहीं पचा। हाँ हाँ इसमें 4K की वैल्यू आप पुट कर दो। हाँ मेरे ख्याल से हो जाएगा, और इससे भी आंसर आ जाएगा, मैंने कभी किया नहीं मगर हो जाएगा बेटा। इससे आप 4K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो कर दो, इससे प्लस माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा आपका, मगर एक बार करके देख लेना कि आ जाता है क्या सही। ओके बाकी मैं देखो, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है स्कूल में या कहीं और, स्कूल में तो अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको हो सकता है अपने टीचर को बताना पड़े जब उन्होंने कॉपी चेक करनी होगी। ये मतलब ये नॉर्मल है, ये सभी लोग यही फॉलो करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा कोई चैप्टर किसी को लगता नहीं जिसमें अपना लगाना पड़े। बाकी आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, इसे कर लो तो इससे बहुत आसान हो जाएगा, ये प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं इसका झंझट नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा और काफ़ी आसानी से आ जाएगा। 4 की पावर k की वैल्यू निकाल लो और फिर कर लो। ओके बाकी मैं जैसे सोचता हूँ तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस ये रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा में नंबर है, ठीक है। तो मैं इस तरह से सोच के चलता हूँ कि इस वाली इक्वेशन में हम कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर दो उसके हिसाब से जो जो आ रहा है आने दो, और जो जो आप एक्स्ट्रा लेके आए हो उसको माइनस प्लस कर दो ऐसे। ओके बाकी सबका हो गया, चलो तो अब आप इसके ज़्यादातर क्वेश्चन कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन अभी भी हैं डाउटफुल में, रुको 1 मिनट। NCERT है चैप्टर नंबर 4। ओके डिविजिबिलिटी वाले के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, ये सारे कर सकते हो आप, डिविजिबिलिटी या मल्टीपल वाले कर लेना। खास कर ये 22 वाला क्वेश्चन, ये आपको थोड़ी जान खाएगा 22 वाला क्वेश्चन, बाकी सारे आसानी से हो जाएंगे। 20 वाला हमने कर लिया, 21 जैसा हमने कर लिया 21 नहीं किया, ये भी कर लोगे। आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 22 में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, 23 आपने कर लिया, इसके है जी। मेरे को आवाज़ क्लियर नहीं है बेटा, नहीं, 22 नहीं दिया,
22 कैसे कर लोगे अभी ना, अब करना। अच्छा ये हो गया, इसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल्स में है, एग्जाम्पल नंबर 6 जैसा क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है? ये अब भी मत करना, ये मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कल करेंगे इसको। और एग्जाम्पल नंबर 4 कर सकते हो आप, ठीक है? एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 4 कर सकते हो, और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले एग्जाम्पल कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा आप सही कर रहे हो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? मगर कर लेना आज की आज इनको, ताकि फिर कल आगे कर सको। हाँ बोलो।